जी सर, जो दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस की जा रही है, क्या कुछ ऑब्जेक्टिव है इसका? इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो लेटेस्ट एडवांसमेंट्स हैं इन मशीन, इन टूल्स, इन इक्विपमेंट, इन टेक्नोलॉजी, इन ट्रीटमेंट प्लान, उसको कैसे हम बेटर इम्प्लीमेंट कर पाएँ, बेटर ट्रेन कर पाएँ अपनी फैकल्टी को, अपने जो प्रैक्टिशनर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन सब की ट्रेनिंग कैसे इन चीज़ों के साथ, इस टेक्नोलॉजी के साथ उनको कोप अप कर पाएँ। अगर वो कोप अप नहीं होंगे, वो दे विल बी लिविंग इन द कन्वेंशनल वर्ल्ड, और पेशेंट जो हमारे लोग हैं यहाँ पे, जो हम डॉक्टर ट्रेन कर रहे हैं, हम उनको भी कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी के साथ ही कन्फाइन करेंगे। तो आजकल की टेक्नोलॉजी बहुत हद तक, हर दिन एआई के आप जानते हैं, पहले तो सालों साल चीज़ें चेंज होती थी, लेकिन अब विद इन आवर्स टेक्नोलॉजी इज़ गेटिंग चेंज्ड, नई इनोवेशन आ रही हैं, नए टूल्स आ रहे हैं। तो उसी के मद्देनज़र उनको कोप अप करने के लिए हमने ये कॉन्फ्रेंस साइनोडेंट ग्रुप की कोलैबोरेशन के साथ यहाँ पे करवा रहे हैं, और उनके प्रेसिडेंट साहिबा हमारे साथ यहीं पे खड़ी हैं। ये इनका नेशनल लेवल पे काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस करवा चुके हैं और करवाते रहते हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे भी कॉन्फ्रेंसेस करवाते हैं। तो आज तो वर्कशॉप हैं, हैंड्स ऑन कोर्सेस वो चल रहे हैं, तो उसमें भी लोगों को जैसे हाथ पकड़ के हमारे डॉक्टर्स को ट्रेन किया जाएगा विद द न्यू टेक्नोलॉजी। तो जब वो खुद सीखेंगे, वो नई टेक्नोलॉजी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो हमारे जम्मू कश्मीर के जितने लोग हैं उसका बेनिफिट उनको कैसे हम दे पाएँ, ये हमारी सरकार की, हमारी यूटी गवर्नमेंट की बहुत बड़ा ड्राइव है कैपेसिटी बिल्डिंग का। सो दिस इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ द कैपेसिटी बिल्डिंग टू ट्रेन अवर फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स एंड टीचर्स फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच। जी मैम, कॉन्फ्रेंस के बारे में क्या कुछ कहेंगे? ये 9th वर्ल्ड डेंटल साइंसेज एंड ओरल हेल्थ कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो कि आयोजित की गई है साइनोडेंट, इंडियन सोसाइटी ऑफ डेंटिस्ट्री और इंदिरा गांधी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज द्वारा, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में। और इस कॉन्फ्रेंस का यही मकसद है कि जो इसका थीम है, रीसेंट एडवांसेस एंड ट्रेंड्स इन डेंटिस्ट्री मूविंग टूवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर। तो हम जानते हैं कि हमारा देश प्रगति कर रहा है, और जो हमारे देश में रिसर्च को काफ़ी प्रोत्साहन मिल रही है, और काफ़ी बढ़ चढ़कर लोग इसमें भाग ले रहे हैं। तो ये हम एक आधुनिक भारत की तरफ जा रहे हैं, तो इसीलिए हर एक फील्ड, चाहे मेडिकल हो, डेंटल हो, पैरामेडिकल हो, हेल्थ साइंसेज की हर एक फील्ड एक नया चीज़ रोज़ इन्वेंट कर रही है, एक न्यू रिसर्च स्टडी, न्यू रिसर्च पेपर्स, पेटेंट्स, कॉपीराइट सब कुछ रोज़ पब्लिश हो रही है। तो उसके साथ साथ जो एडवांस ट्रेनिंग है वो भी काफ़ी ज़रूरी है। इसीलिए हमने देश विदेश में काफ़ी सारी कॉन्फ्रेंसेस आयोजित कर चुके हैं। हम भारत में भी हर कोने कोने में जाके कॉन्फ्रेंसेस आयोजित कर रहे हैं कि किसी भी स्टूडेंट को या किसी भी प्रैक्टिशनर्स को कभी भी ट्रेनिंग के लिए कहीं बाहर ना जाना पड़े, और अपने ही सिटी में रह के वो मैक्सिमम बेनिफिट उठा सके